तो ठगिस को मनीषा रानी के साथ कॉलेब करने के लिए हेट मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले मनीषा रानी एंड ठगिस मिले थे एंड यहाँ पे मनीषा रानी की चैनल पे इन दोनों का एक व्लॉग वीडियो भी आता है एंड इसी के साथ साथ उन्होंने अपने इंस्टा पे एक रील अपलोड किया कॉलेब करते हुए, जहाँ पर लगभग उस रील को 17 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आया है। तो इस मनीषा रानी एंड ठगिस के कॉलेब की वजह से जो ठगिस भाई के फैंस है वो भाई बहुत ही ज्यादा हेट कर रहे हैं मनीषा एंड ठगिस के कॉलेब को। तो इसी को रिस्पॉन्ड करते हुए ठगिस ने अपने मेन चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है। उन्होंने क्या कहा, आप खुद ये क्लिप देखिए। की रील से कुछ अलग नहीं था, इसमें कुछ अलग नहीं था, अलग यही था उसमें 15 मिलियन व्यूज आए थे। हाँ, लेकिन जिस साउंड इफेक्ट को रोस्ट करते थे उसी साउंड इफेक्ट पे वीडियो बना दी। मैं अभी नया हूँ इस दुनिया में, मैं अभी नया हूँ इस दुनिया में, एटलीस्ट हंसाने के लिए फेक साउंड इफेक्ट तो नहीं डालता। थकेशो बहुत सारे लोग ये कोलैब को हेट भी दे रहे बोल के कि ये क्या कोलैब है, ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड इसका स्टैंडर्ड कम, उसका स्टैंडर्ड कम। स्टैंडर्ड दिखाने के लिए सिर्फ वो रील के व्यूज ही काफी है। एंड एक कोलैब होता है। आई डोंट थिंक इस कोलैब में किसी को भी हेट देना चाहिए, मनीषा को या ठगेश को। हालांकि मैं ठगेश नहीं हूँ, मैं खबरेश हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि ठगेश को भी हेट नहीं देना चाहिए इसमें।